हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चलिए आज मैं पॉम्पलेट फिश बनाना सिखाती हूँ। तो ये पॉम्पलेट फिश यूजुअली शी फिश है, तो ये हमेशा प्याज लहसुन से ही बनता है, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगता बिना प्याज लहसुन के। तो चलिए आज मैं पॉम्पलेट फिश सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए क्या लिया है मैंने, इसके लिए पॉम्पलेट फिश लिया हुआ है। ये पॉम्पलेट फिश है, इस तरह के, ये इस तरह का फिश है। तो इसको अच्छा से काट कर धो लिया है, धोकर अब इसमें मैंने नमक और हल्दी, सॉल्ट और टर्मरिक मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा मैरिनेट कर लेती हूँ। ये मैरिनेट करके मैंने रखा। अब तेल मैंने पैन पे रखा हुआ है, चढ़ाया हुआ है, तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देती हूँ। और इसमें अब इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे, इसमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे ये प्याज, ओनियन मैंने डेढ़ लिया है, 1.5 ओनियन लिया हुआ है, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और टमाटर 1 टमाटर, और जो ग्रीन चिलीज़ है ये भी स्वाद के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा ले सकते हो, मैंने जैसे 4 लिया हुआ है। तो ज़्यादा चटपटा और तीखा मैं पसंद करती हूँ खाना, अगर आप कम तीखा पसंद करते हो तो आप 2 या 1 ले सकते हो, वो आपके टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और छौंक के लिए ये है जीरा और लाल साबुत मिर्च का, ये का छौंक लगाएंगे। और क्या मसाले लगेंगे, टर्मरिक ये 1 चम्मच, और जीरा 1 चम्मच, और ये काली मिर्च ये 1/4 टेबल स्पून, और सॉल्ट एक अपने स्वाद के हिसाब से आप ले सकते हो, और लाल मिर्च पाउडर। तो यही हमारे इंग्रेडिएंट्स है, यही हमें, और पानी चाहिए होगा ग्रेवी के लिए, बस, और सरसों तेल। यही हमारे इंग्रेडिएंट्स है, इसी से मैं पॉम्पलेट फिश आज मैं तैयार करूँगी। तो मैंने मैरिनेट करके रख लिया है, अब मेरा जो तेल है वो गरम हो चुका है, तो मैं इसमें इसको फ्राई कर लूँगी पहले। मैं पहले फ्राई कर लूंगी, उसके बाद मैं इसका ग्रेवी बनाऊंगी। फ्राई इसलिए हम करते हैं कि ये एक टिप है, कभी भी कोई भी फिश आप लेके आओ उसको एक बार नमक हल्दी के साथ मैरिनेट करके उसको फ्राई, हल्की फ्राई हमेशा कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि फिश में जो स्मेल आती है वो स्मेल आना बंद हो जाता है और वो टेस्टी बनता है। स्मेल जो आता है फिश बनाने से, आप कच्चे फिश को बनाओगे तो हमेशा स्मेल आता है, तो वो स्मेल हमारा चला जाता है और फिश बहुत टेस्टी होता है। अब ये हमारा फिश फ्राई हो चुका है, इसको मैं डालूंगी प्लेट पे।
ये फिश हमारा फ्राई हो गया। अब ये जो बचे हुए तेल में, इस तेल में हम अब छौंक लगाएंगे जीरे और लाल मिर्च का। छौंक थोड़ा सा लाल हो गया, अब मैं इसमें जो ओनियन कद्दूकस करके रखा हुआ था ओनियन को डालूंगी। इसको हल्का ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूंगा। अब ये प्याज हमारा थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो चुका है, इसमें मैं अब अदरक लहसुन जो पेस्ट बना के रखा हुआ था वो डाल दूंगी। मैं इस बीच में जो मसाला है जो उसमें डालूंगी वो मैं मसाला बना लेती हूँ। तो जीरा मैंने एक चम्मच ले लिया और काले मिर्च ब्लैक पेपर मैंने 1/4 टेबल स्पून लिया, नमक स्वाद के हिसाब से मैंने लिया। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून और टर्मरिक ये 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है। और इसमें अब वो जो मेरा जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था इस कटोरी में, ये जो बर्तन है वो जो पानी है उसमें भी नमक और हल्दी मिला हुआ है, इसी पानी से मैं इस मसाले को मैं बनाऊंगी। इसमें अब टमाटर और जो मिर्ची है ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये हमारा मसाला बन चुका है। अब मेरा जो है प्याज लहसुन का पेस्ट ये तक हुआ नहीं है पूरा, इसको भी गोल्डन होने तक जब तक कि इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए इसको मैं फ्राई करूंगी। अभी हमारा फ्राई हो चुका है, अब मैं जो मसाला मैंने बनाया था वो मसाला में डाल दूंगी। इसको मैं भी इसको और ज़्यादा सॉटे करूंगी और इसको भी जब तक इसका कच्चापन मसाला जब तक भुन ना जाए तब तक मैं इसको फ्राई करूंगी।
ये हमारा सॉटे हो चुका है क्योंकि इसमें से तेल अब तेल निकलना शुरू हो गया है इसमें से। तो ये हमारा सॉटे हो गया है, इसमें अब थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। ग्रेवी थिक होगी, एक या आधा आधा कप या एक कप काफ़ी रहता है। ये मैंने एक कप पानी डाल दिया। अब इसमें ये जब तक इसमें थोड़ा सा उबाल आएगा तब मैं फिशेस को इसमें डालूंगी। अब इसमें उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें फिशेस को एक एक करके डाल दूंगी। और डाल के अब थोड़ी देर स्टीम करूंगी। दोस्तों ये हमारा पॉम्पलेट फिश तैयार है। इसकी ग्रेवी जो होती है बहुत थिक होती है और आप भी बनाइए अपने घर पे। और कैसा बना और कैसा लगा खाने में ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। और मेरे बुलबुल्स किचन को देखने के लिए मेनी मेनी थैंक्स टू द ऑल व्यूअर्स। सो प्लीज़ subscribe, share and like my channel. Thank you, viewers.